चा गरम पीनी पिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। आज है जी संडे, आज मेरी छुट्टी है तो मैंने सोचा मैं भी किचन को सलामी दे ही दूँ, खाना बना ही लूँ बच्चों के लिए। बकराईद की सलामी हमने अभी तक नहीं की थी कि मेरे किचन का हाल अभी बहुत गंदा हो रहा है, क्योंकि ना कुछ भी हुआ नहीं है तो और मेरा दिमाग ख़राब है। बहरहाल मैं बना रही हूँ पुलाव, मटन पुलाव बना रही हूँ बच्चों के लिए। चीज़ें मैंने सारी तैयार करके रख दी है, सब कुछ काट कूट के रख दिया है और प्याज मेरे ब्राउन हो रहे हैं। चाय अभी हम नाश्ता करेंगे, चाय भी बन गई। नाश्ता तो नहीं करेंगे, खैर नाश्ता तो कर लिया पर मुझे चाय पीनी थी और जैन को भी चाय पीनी थी तो मैंने चाय बनाई है हम दोनों के लिए, ठीक है। और अल्लाह करे पुलाव अच्छा सा बन जाए। वैसे अभी तक मैंने मुंह भी नहीं धोया, जिस हाल में भी उसी हाल में हूँ। और बस मैंने सोचा व्लॉग का इंट्रो बना लो। आज व्लॉग हमने अभी तक व्लॉग शूट ही नहीं किया था, ठीक है। रात को हम गए थे मॉल, फिर हम आए थे देर से, फिर हम खाना खा के बहुत थक गए थे और सो गए थे। मॉल में बच्चों को बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, दोनों बहुत खुश हुए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखे मैंने यखनी ना, ये मटन को मैंने ना बॉइल कर लिया था, वो इसलिए ताकि ना जल्दी बन जाए पुलाव। तो अब बच्चों को लगी है भूख और मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रही हूँ बनाऊँ। और बस फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते वाला मेरे नाल ही रही जो इन व्लॉग के नाल, ठीक है। तो ऐसा वाला अपना जल्दी जल्दी मज़ेदार जो पुलाव बने लूँ, कोशिश करें अल्लाह पाक करे। आज किचन का काम पूरा थी वही उन्हें आके आधे दहाड़े तो आपको किचन पूरा कर दे सू बुला वो भी आवाना, लेकिन वास्ते मैं कि पहले मैं खाना बढ़ा के ना उन्हें आवान करूँ पहले, ठीक है, ताकि मैं कोई जहाँ खाली करते उन्हें कुछ नहीं पहुँचे। तो तू सब मेरे नाल ही नहीं जो आता व्लॉग आप स्टार्ट करें लूँ टू बी कंटिन्यू विद पुलाव। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव का मसाला मेरा तैयार है और मैं इसलिए ये बना के रख रही हूँ पहले से, ताकि अगर किचन वाले भाई आएँ तो मुझे यहाँ से जगह खाली करनी पड़ेगी। और अल्लाह पाक करे आज वो मेरा काम पूरा ख़त्म कर दे। उन्होंने कहा तो है कि आज के दिन में हो जाएगा जो थोड़ा बहुत रहता है। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना पूरा किचन तैयार होने के बाद। और अभी जो हाल हो रहा है ना, थोड़ा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ घर का। यहाँ तो खैर साफ है लेकिन मेरे किचन का सामान है ना, जो ऐसा लग रहा है ये मंडी बनी हुई है पूरी, वो बाज़ार लगावे, संडे बाज़ार पूरा लगावे मेरे घर में। और ये मेरी बेटी है मानूर, सलाम कर दो सबको, अस्सलामुअलैकुम। और जैन आप क्या कर रहे हो? मैं खेल रहा हूँ मानूर। आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने रात को ही सारे कपड़े मशीने वगैरह लगा के सारे कपड़े वपड़े भी धो दिए थे, ताकि ना मुझे बड़ी टेंशन होती है इतवार वाले दिन मुझे कपड़े नहीं धोने होते और मैं पहले ही धो लेती। सादा पुलाव बढ़ गए, सादा पुलाव बढ़ गए। जैन क्या बढ़ गए? पुलाव। पुलाव हमारा खाना बन गया, हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। और हमने क्या बनाया? हमने बनाया मटन पुलाव, जो कि अभी हमें इतनी भूख लगी थी पूरा दम भी नहीं आया और हमने उतार दिया चूल्हे से, नहीं चूल्हे से नहीं उतारा, हमने निकाल लिया दम पे पड़ा हुआ है। जैन कैसा बनाए? अच्छा। कह रहे गर्म है तो गर्म नहीं होगा क्या? अभी अभी खाना बनाए तो ठंडा होगा। और अब इसको बुखार हो रहा है वापस से, एक तो एक को बुखार सही होता है दूसरे को हो जाता है। और अभी हम ये पुलाव खाएंगे, उसके बाद किचन अंदर से साफ करेंगे पूरा। समझ आया आप लोगों को? आप दोनों मेरी मदद करना, सही है। और सारी चीजें अंदर रख देंगे, बाकी जो बाहर का काम है ना वो कल होगा, आज नहीं होगा। फिर हम कल वाले व्लॉग में डालेंगे अपना पूरा किचन, सही है। तो फिर अब हम जल्दी जल्दी से अपना खाना खाते हैं, और वरना जैन मानूर जल्दी से पूरा खा जाएंगे, मुझे भी खाना है जल्दी जल्दी मोबाइल रख के। ये सारा कबाड़ा है ना, ये कबर्ड्स में से निकल रहा है, एक तो पूरा किचन बन के नहीं दे रहा और क्या कहते हैं, और ये देखें खानों में क्या हालात हो रहे हैं अभी इस वक्त। और लेकिन मैं ये सारी गंदगी निकालूं, मैंने सोचा ये पूरा किचन थोड़ा सा साफ कर दूं, क्योंकि बना तो आज भी नहीं है, लेकिन जो खाने अंदर से बन गए ना उनमें थोड़ा सा पूरा सामान रख देती हूँ, बाकी जब पूरा बन जाएगा तो पूरा फिर ठीक से मैं उसकी वीडियो पूरे व्लॉग में बना के डालूंगी। फिलहाल ये गंद कपड़ा निकाल रही हूँ, और ये देखिए सारा सामान जो बाहर पड़ा हुआ है ना ये अंदर कैबिनेट्स में रख देती हूँ, ताकि कुछ तो सिमटा हुआ घर नजर आए, जान पे आ रहा है सब कुछ। ये देखें
किचन का काम अभी हुआ नहीं है, किचन पूरा नहीं बना है, लेकिन ना चीजें मेरे इतना तंग हो रही थी ना, हर चीज गंदगी में मतलब पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े खाने सेट कर लूं, क्योंकि फिर मुझे छुट्टी भी फिर एक हफ्ते के बाद होती है इतवार वाले दिन। तो बस जो चीज़ें समेट पा रही हूँ ना सारा किचन, मैंने सोचा जो जो चीज़ें मैं कर पाती हूँ ना ये सारी समेट लूं। और किचन तो वैसे भी अभी भी पूरा नहीं बना है, ना इसके हैंडल्स लगे हैं और ना इसकी पूरी फिनिशिंग हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये देखिए पूरा कबाड़ खाना बना हुआ है, जिसकी वजह से ना ये मैं मजबूरी से सारा कुछ समेट रही हूँ, ताकि ना ये काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और लाइट भी नहीं होती, इसीलिए मैंने सोचा अंधेरा होने से पहले ये सारा कुछ समेट लूँ, ताकि मेरा किचन थोड़ा सा सिमट जाए, और जब ये पूरा सिमट जाएगा ना फिर मैं पूरा एक व्लॉग बनाऊँगी। गर्मी है शदीद और लगी हुई हूँ काफ़ी देर से कर रही हूँ, लेकिन अभी तक सिमटा नहीं है। बहुत ऊपर से बहुत कोशिश करी है, सारे बर्तन मैंने साफ किए हैं और घंटे डेढ़ से दो से लगी हुई है, लेकिन अभी तक भी सिमटा नहीं है। कोशिश करी हूँ ये सब समेट लूँ, क्योंकि फिर छुट्टी नहीं होती, किचन पूरा बना है नहीं अभी तक, लेकिन पूरे घर में चीज़ें इस तरह से फैली हुई है ना पूरे किचन की, मैं आपको बता नहीं सकती, कोना कोना फैला हुआ है। और कल मैंने फिर काम पे जाना है, फिर एक हफ्ते बाद मुझे छुट्टी मिलेगी, तो तब तक मैंने सोचा अगर ये तब तक ये सारा सामान पड़ा रहा ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं फैलावा ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस कोशिश कर रही हूँ जल्दी से इन सब चीज़ों को ना समेटूँ और ख़त्म करूँ, और जितनी चीज़ें अंदर रख सकती हूँ रख देती हूँ, बाकी जब पूरा किचन तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को पूरा एक विजिट करवाऊंगी। तो मानूर जी, अब मेरे को जल्दी जल्दी चीज़ें चाहते रहे, बस वाला व्लॉग ही कंटिन्यू करें, ये चीज़ें भी सिमटें दूँ सारियाँ, जल्दी कोशिश करें दूँ, जल्दी कर गिनू, ताकि ना जल्दी तू कर काम मेरा सिमटे। अंधेरा थी गया ना मगर टाइम, बिल्कुल अंधेरा थी, वैसे ये थोड़ी जी रोशनी गेट करूँ हम दी थी, तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम सिमटे दी दिया। मैं अभी तक किचन का काम खत्म नहीं हुआ, पूरी गंदगी मची हुई है, सिर्फ बर्तन रख रही हूँ और अभी तक पूरा किचन का काम हुआ भी नहीं है। बस ये सब कर रही हूँ, जो जो गंदे बर्तन है ना, ओ जो जो कबर्ड्स बन गई है ना अंदर से। नूर क्या पढ़ रही हो? ये पोयम पढ़ रही है। मैं अपना काम समेटने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से सब सिमट जाए। सुबह जो मैंने सारे कपड़े धोए थे ये सारे अभी समेट दूँ, कैबिनेट्स में रख दूँगी। अभी तक मैं किचन के बर्तन रख रही थी जो कि मैंने रख लिए हैं, ये साहब अभी खाना खा रहे हैं, सुबह वाला खाना ये भी खा रहा है क्योंकि इसने नहीं खाया था, और हम देख रहे हैं कार्टून। और मैंने यहाँ से सारा कबाड़ खाना समेट दिया है, पता है आज सारा दिन मैंने यही किया है कि मैंने अपने बर्तन समेटे, किचन का काम पूरा नहीं हुआ लेकिन बर्तन अंदर से कैबिनेट्स तैयार थे, मैंने सारे बर्तन अंदर समेट दिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतवार का दिन मेरे किसी काम तो आया, क्यों हर इतवार ही काम आता है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ना कोई काम निकल ही आता है, बाकी थोड़ा बहुत जो किचन का काम रहता है ना वो इंशाल्लाह कल हो जाएगा, तो बिल्कुल सिमट जाएगा घर अल्लाह अल्लाह करके। मुझे भी सुना दोगी थोड़ा सा? सुनाओ। खत्म हो गई, वेरी गुड। सुबह से काम कर करके मैं इतनी थक गई हूँ, मेरा बेटा मेरी मदद कर रहा है। जैन क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रहे हो? इतनी दफा सफाई की है फिर इतना सारा घर गंदा हो जाता है बार बार। मैं ये चादर झाड़ रही हूँ, जैन झाड़ू लगा रहा है, इतनी हवा आती है इतनी मिट्टी आती है बार बार पूरा घर गंदा हो जाता है। सही से लगा, अल्लाह सारा कचरा इसने पलंग के नीचे घुसा दिया, ये काम बढ़ा रहा है पता नहीं कम कर रहा है मेरा, और बोल रहा है मैं करूँगा और रुक नहीं रहा है, और देखो इसको अब पूरा वापस नहीं घुसा देना जैन पलंग के नीचे, बता रही हूँ मैं आपको। सही से लगाओ, शाबाश मेरा बेटा। किसने बोला बेटियाँ मदद करती हैं, बेटे भी मदद करते हैं। और ये मैं पलंग झाड़ रही हूँ, बस अब हम बिल्कुल थक गए हैं, हमने खाना भी खा लिया है, हम घर साफ करके सो रहे हैं ना जैन जी? हाँ हम घर साफ करके बस अब सो जाएंगे दोनों जल्दी से, तीनों मानू का है पता नहीं। सही से लगाओ बच्चा, सही से लगाओ, शाबाश मेरा बेटा। चलो जी 80 हो गए हैं फारिग, सारे कम्मा तो नहीं कम्मा तो सारे,
पंजाबी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हम हो चुके हैं हर काम से फारिग। आज संडे था, मैंने सोचा था किचन वाले आएंगे, जो काम रहता है वो सारा काम हो जाएगा मेरा, सब समेट लूंगी। सारा दिन इंतजार करती है किचन का काम नहीं हुआ। बहरहाल घर मैंने सारा समेट लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े धोए, रात को बच्चों को मॉल लेके गई थी जो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर किया, और घर साफ किया, बर्तन वर्तन सब समेट दिए, कैबिनेट्स पूरी साफ करके, क्योंकि अंदर का काम तो हो चुका था ना किचन का, मैंने सारी कैबिनेट सेट कर दी अच्छे तरीके से, ठीक है। और क्या कहते हैं, मुझे लग रहा था पूरा साफ हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ पूरा एक शेयर करूंगी, व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन पूरा नहीं बना। बहरहाल जो हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाया भी था, मैंने कैबिनेट सेट कर दी, सब बर्तन वर्तन सारे उसमें रख दिए, जितना हो सकता था मैंने कर लिया। बाकी जब पूरा हो जाएगा वो फिर मैं आप लोगों के साथ एक पूरा व्लॉग बनाऊंगी। जी अम्मी, हाँ क्यों, तू कर अपना काम, जैन मेरे साथ सफाई करवा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हूँ टच ना करी, ठीक है। ओ जैन दे हाथ पूरे गंदे थी चुके, मैं कागदा पे, अम्मी मेरे पूरे हाथ गंदे थी ना। जैन मेरी मदद करवाइये काम दे, ठीक है। उनको पता है अम्मी थक पई है, सारा दी काम करे नहीं रहेगी। हमें पुलाव बड़ैम, अच्छा गोश्त दा पुलाव मैं आज बड़ैम, कुर्बानी दे बाद पहली दफा घर, ठीक है, मोहल्ले दे विच वंडियम बड़ा दे पुलाव। गोश्त दा पुलाव बड़ैम सही है अपने मोहल्ले दे विच, मतलब दिते जिन्हें जिन्हें दे घर, जिन्हें जिन्हें दे घर मेरे को भेजना, ठीक है, क्योंकि बाल तो मेरे इतना शौक नल कहीं खम दे कहीं, बस थोड़ा जा खा देने, मैं कि हम शायद किचन वगैरह वाले काम करना से वो भी खा कि पर आए कह नहीं, मेरा काम उतना ही पे जा, बाकी मैं सारा कुछ समेट के दे। छुट्टी मेरी खत्म थी कि आधा सारा रूटीन ही हो ही रह गए, तो बस हूँ ता बांध ही पिया फारिग थी हम, मैं कि व्लॉग का भी एंड करा, ठीक है। असा इंशाल्लाह हूँ तक अगले व्लॉग मिलसूँ, दुआ दे विच लाजमी याद रखी, जो साडे वास्ते दुआ कीती करो अल्लाह पाक हर कहीं वास्ते बेहतर करे, ठीक है। मैं त्रै दी सुचेंदी रह गई कि ईद मुबारक आकसे, कई ईद मुबारक आकसे, कई दा तो फोन हमसे, कई बहन दा माँ दा प्यू दा कई दा फोन कह नहीं आया, सही अजन तक सख्त नाराज है मेरे को लगता है, अजन तक उन्हें दी नाराजगी खत्म कह नहीं थी कि व्लॉग क्यों बड़े नहीं पिए, पर एक वक्त हमसे इंशाल्लाह हर शे सही थी, वैसे दुआ करी जो मेरे वास्ते। चलो कोई गल नहीं, मैं अपने बाले नाल अपनी ईद गुजार की थी हम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ब्याह क्या आखना होंगे, ब्याह कुछ आखना होंगे कहना ना, बस यार जरा कुछ हाँ हो तो दस दी तेम सारा कुछ, ब्याह होने वाला क्या करा, बस ठीक है सुन सुन दे पियो, क्योंकि सवेले काम ते वंजना है, छुट्टी खत्म, एक दी छुट्टी इतवार दी, ईद दी छुट्टी भी कह नहीं मिली, बस मैं हूँ थक पिया हूँ मैं सुन दी हाँ, इंशाल्लाह मैं तुहाको मिल सा अगले ब्लॉग च, दुआ दे विच याद रखी जो, ते बस सही वाला अल्लाह हाफिज करे नू वेंदू वेंदे कहन से वेंदे किदे ही ना से, जे तक जिंदगी है हूँ इंशाल्लाह व्लॉगिंग ही करे सू, कोशिश करे सू कामयाब थी वाणी, पर ये व्लॉग एंड करे नू, ठीक है, बस ये व्लॉग को एंड करे नू, बस देर थी गई, मैं तकरीर कह नहीं कर सकती, बस जरा कुछ हाँ हो मैं तो नल शेयर कर की दम, इंशाल्लाह अगले व्लॉग च मिलसू, बस अगले व्लॉग च ही मिलसू। तू आखण पता नहीं मैं क्या चाहनी हूँ, जरा मेरे बात तो नहीं आता पिया, पर मैं कुछ कहने आकर चाहती अल्लाह हाफिज़।